अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे और हर मुश्किल परेशानी से दूर करे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई राइस। तो मैंने अंडे, मैंने ऑयल में अंडे फ्राई कर ली हैं और अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ज़्यादा आप ऑयल मत डालिएगा क्योंकि फिर ऑयल ऑयल वाले होते हैं चावल, ये बिरयानी नहीं बना रहे हम, फ्राई राइस बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। इसमें मैंने ऑयल गरम हो गया, अब इसमें मैंने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ग्रीन पेस्ट। आज गैस का थोड़ा मसला हो रहा है हमारे घर में, गैस स्लो आ रही है आज, जिसको मुझे भूनना है अच्छी तरह, भुनाई करनी है अच्छी तरह 5 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स ये रखे हैं, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, मटर है, बंद गोभी है और गाजर है, और ये गाजर। पाँच पाँच मिनट करके सारी चीज़ें फ्राई करनी है इसमें। अब इसमें मैं गाजर डालूंगी, इसे फ्राई करूंगी।
चिकन को क्रश कर लिया था, अब ये चिकन मैं इसमें डालूंगी। इसमें मैं बंद गोभी डालूंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी। हसबे जायका नमक डालूंगी। उनके चावल चावल जो बॉईल किए हैं उसमें भी डाला है नमक। काली मिर्च डालूंगी। जितनी आपको टेस्ट के हिसाब से रखनी है काली मिर्च उतनी रखनी, क्योंकि इसमें और मसाले तो कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च का ही जायका आएगा इसमें। मैं डालूंगी सोया सॉस 1 चम्मच। चिली सॉस 1 चम्मच। और इसे मैं मिक्स कर दूं। अब इसमें मैंने हरी प्याज डाल दी थी और 1 मिर्ची कटिंग करके डाली है मैंने, और ये चावल मैंने बॉईल करके यहाँ रखा हुआ है। अब इसमें मैं मटर डालूंगी। मटर और शिमला मिर्च डालूंगी और इसे मैं पकने के लिए रखूंगी 10-20 मिनट तक, ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और इसमें मैं मसाको डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि चाइनीज नमक तो है नहीं मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा मसाको डालूंगी। ये देखें हमारी चाइनीज सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं चावल डालूंगा। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है फ्राइड राइस। ये देखें इसको रेड चटनी के साथ भी खाया जाता है, और कुछ लोग केचप के साथ भी खाते हैं इसे। ये देखें मेरे फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं,
और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।